हेलो गाइज, दिस इज रोशन वर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईफोन के अंदर काइंड मास्टर का ये वाटरमार्क हटा सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है, ना किसी दूसरे तीसरे एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करने को बताऊंगा, ना ही किसी वेबसाइट पे ले जाऊंगा, ना ही कुछ और। सिंपल से बस आपको एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है काइंड मास्टर, और इसी में मैं आपको काइंड मास्टर का जो वाटरमार्क है उसे हटाकर दिखाने वाला हूँ। अब कैसे, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप काइंड मास्टर का वाटरमार्क हटाना चाहते हो बिना पैसे खर्च किए हुए, तो इसके लिए बस आप काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो, जिस भी रेशियो में, उस रेशियो को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं 16:9 में किसी वीडियो को एडिट करना चाहता हूं, तो 16:9 पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पे मैं अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लूंगा। अब ये वीडियो टाइमलाइन पे आ चुकी है। आपने अभी अपनी जिस वीडियो को टाइमलाइन में ऐड किया है उस वीडियो पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने वीडियो को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहां से मिलता है। आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि काइंड मास्टर का जो वाटरमार्क है वो आपके वीडियो के फ्रेम से बाहर हो जाए। बहुत ही आसानी से आप काइंड मास्टर का वाटरमार्क हटा पाएंगे अगर आप इसे समझ पाते हो। मैंने बताया आपको कि आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से जूम आउट करें, मतलब थोड़ा सा छोटा करें, कि जो काइंड मास्टर का वाटरमार्क है वो आपके वीडियो से बाहर हो जाए। बाद में हम इसे क्रॉप करके हटा देंगे और काइंड मास्टर का वाटरमार्क यहां से हट जाएगा। देखो, आप अपनी वीडियो को सबसे पहले इस तरह से सेट कर लो कि काइंड मास्टर का वाटरमार्क आपकी वीडियो के फ्रेम से बाहर हो जाए। अब जब आपने इसे सेट कर लिया है, उसके बाद जो भी एडिटिंग आपको अपनी वीडियो में करनी है, सारी वीडियो की एडिटिंग, जो भी जहां काटना छाटना हो, स्प्लिट करना हो, कुछ ऐड करना हो, सब कुछ आप कर लें। करने के बाद अब आपको सिंपली एक्सपोर्ट करना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हायर क्वालिटी में एक्सपोर्ट करें, ताकि बाद में जब इस वीडियो को क्रॉप किया जाए तो इस वीडियो की क्वालिटी कम हो, लेकिन बहुत ज्यादा कम ना हो और पता भी ना चले कि वीडियो की क्वालिटी कम हुई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4K में 60fps पे इसे यहां से एक्सपोर्ट करें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ट्राई करें कि आप अपनी वीडियो को 4K में ही रिकॉर्ड करें। अब जब ये वीडियो पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो जाती है, तो आपको अपने आईफोन की फोटोज की जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अभी जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो आपको दिखे, उस वीडियो को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अब अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम कीजिए, इतना जूम कीजिए कि जो काइंड मास्टर का वाटरमार्क है वो फ्रेम से बाहर हो जाए, वो क्रॉप हो जाए, यानी कि वीडियो से कट के हट जाए। तो इस तरह से आप काइंड मास्टर को हटा दे वीडियो से और फिर इसे सेव कर ले। बूम गाइज, अब आप देख सकते हो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी खराब नहीं हुई है और आपकी वीडियो से काइंड मास्टर का वाटरमार्क भी जा चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए काइंड मास्टर का वाटरमार्क हटाने का आईफोन के अंदर। एंड्रॉइड में बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ एंड्रॉइड की बात नहीं कर रहा। आईफोन में ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है काइंड मास्टर के वाटरमार्क को हटाने का। तो आप इस तरह से काइंड मास्टर के वाटरमार्क को हटा सकते हैं। उम्मीद है गाइज कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।